एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में। जी हाँ, आप तो जानते होंगे ट्रांसपेरेंसी टूल जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज को ट्रांसपेरेंट कर देता है, लेकिन उसका जो यूज है दोस्तों काफी विस्तारित रूप से किया जा सकता है, बहुत सी जगहों पर किया जा सकता है और बहुत से कार्यों में। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि हम उसको किन किन कार्यों में ले सकते हैं और अपनी डिजाइन को परफेक्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह ही कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, जिससे हर नए आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने रेडी करके रखे हैं। जी हाँ, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमें अगर हम ट्यूटोरियल बनाने के टाइम में अगर इन ऑब्जेक्ट को कोरल में लेते हैं तो उसमें काफी समय लगेगा, तो इसके लिए हमने पहले से इन्हें रेल ले रखा है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे पास जो ये जो कंटेंट है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सिलेक्टेड इन में, जैसे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज भी हमने लिया, टेक्स्ट भी लिया है, जैसे कि दोनों चीजें मैं बता सकूं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जैसा है दोनों। तो हम आएंगे, जैसे हमने पहले टेक्स्ट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे लेकर के हम उसको शिफ्ट पेजअप से पहले ऊपर कर लेते हैं इस तरह से और यहाँ पे आ गए। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, अब हम इस पे ट्रांसपेरेंसी टूल का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे रेडीमेड ऑप्शंस हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म, लिनियर, रेडियल। अब जैसे रेडियल पे हमने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक इस एरिया से देख सकते हैं आप, वो ट्रांसपेरेंटी उस पर इफेक्टिव हो गए। ठीक है, ये देखिए, तो इन चीजों को यहाँ से हम अभी कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे हम नन रखते हैं और फिर आ जाते हैं यहाँ पे, ये टेक्स्ट को हमने टेक्स्ट के ऊपर ऐसे यहाँ से यहाँ पे ड्रैग किया। अब आप देख सकते हैं ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो वो चीज ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यानी निचला हिस्सा जो है इसका पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, तो करते हैं एक बार, तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं नीचे का जो हिस्सा है वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे ये टेक्स्ट जो है इसके अंदर से ही बाहर आया हुआ है। ठीक यही प्रोसीजर हम ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम अभी बाहर रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ वो टेक्स्ट था, एयर ऑब्जेक्ट है, तो सेम प्रोसीजर इसके लिए भी, इसको हमने ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे आकर यहाँ तक हमने ड्रैग किया। तो ये देखिए इस तरह से हम इतना यूज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे एक दूसरे से जोड़ सकते हैं जो कि जुड़ा हुआ ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर से बाहर आए हुए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आ जाते हैं, इसको हम आ जाते हैं अपने दूसरे ऑब्जेक्ट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इमेज है, हम चाहते हैं ये दोनों इमेज एक दूसरे से जुड़े हों, ऐसे लगे कि दोनों एक दूसरे का हिस्सा हों। तो उसके लिए क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखना है, थोड़ा अंदर तक रखना होगा, जिससे कि ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा अंदर तक रखना होगा जिससे कि हम ट्रांसपेरेंसी टूल का सही उपयोग कर सकें। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और आएंगे यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आकर हम इसको ड्रैग करेंगे। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं इतना हिस्सा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, ये वाले पॉइंट को यहाँ पे ला के रख देना, यहाँ पे लाके हमने रख दिया इस पॉइंट को और इसे थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम इसको यहाँ करते हैं इस तरह से। तो अभी आप देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों ऐसे लग रहा है बिल्कुल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ये नहीं समझ कोई समझ पाएगा कि ये दोनों अलग अलग हिस्से हैं। तो इस तरह से हम इमेज में भी इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम आ जाते हैं, ये तीन सर्कल हमने बनाया, अगर हम चाहते हैं ये तीनों सर्कल पूरा दिखे एक दूसरे को ढकने के बावजूद, जैसे कि हमने यहाँ और यहाँ पर रख लिया, तो हमें क्या करना है, इस सेलेक्ट करना है, ट्रांसपेरेंसी में जाना है और यहाँ से यूनिफॉर्म ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इसको हम कम या अधिक भी यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट किया, ट्रांसपेरेंसी में गए, इसे सेलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट को और यूनिफॉर्म, ठीक यहाँ पर भी वही प्रक्रिया कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिनियर आ गया, नन करते हैं तो इस तरह से आएगा, यूनिफॉर्म करते हैं तो इस तरह से। अब हम देख सकते हैं इसको कि किस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो दोस्तों इस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल बहुत से कार्यों के लिए कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है, अच्छा लगेगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।